नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की भौतिक सार्थकता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्जेंस क्या होता है, उसको किस प्रकार से हमने विजुअलाइज किया, वो भी अच्छे से चर्चा कर ली थी। और उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि जो डाइवर्जेंस ए होता है उसको हम हमेशा इस प्रकार से लिखते हैं, आपके लिमिट डी टू टेंड्स टू जीरो क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस अपॉन डी टू। ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन थी। फिर हमने कहा था इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। ठीक है, ये चीज हमने नोट कर ली थी। हालांकि ये आया कैसे, इसका पूरा एक डेरिवेशन होगा जिसको हम इस फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले टॉपिक के बाद पूरा करने वाले, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। यहां पर आपको चीज ये भी पता चल रही है, मैंने आपको ग्रेडियंट में बताया था कि ग्रेडियंट के लिए हमने एक लाइन लिखी थी। क्या लिखी थी कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है, लेकिन उसका जो आंसर होता है या उसका जो मान होता है वो हमेशा एक सदिश के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का लिया जाएगा लेकिन उसका जो मान होगा वो एक अदिश राशि के रूप में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि डेल डॉट ए है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका आंसर हमेशा अदिश आएगा। तो ये लाइन भी आप चाहो तो साथ में लिख लीजिएगा साइड में कि डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्र का लिया जाता है परंतु उसका मान अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आज हम लोग इस डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए, आपको यह तो पता चल गया कि डाइवर्जेंस का जो मान है किसी भी सदिश क्षेत्र का, जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो उसका मान एक संख्या के रूप में मिलेगा, एक अदिश राशि के रूप में मिलेगा। तो यह मान पॉजिटिव भी हो सकता है, यह मान नेगेटिव भी हो सकता है, यह मान शून्य भी हो सकता है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे, अगर इसका मान पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है, उसका मान अगर नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है। तो देखिए, मैं यहां पर आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और उससे आप इसको आराम से समझ सकते हो कि डाइवर्जेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मान से क्या क्या अर्थ निकलने वाले हैं। तो उस डायग्राम को पहले आप देखिए, उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, मैंने यहां पर तीन प्रकार के डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, उसके आधार पर समझेंगे कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, जीरो का क्या मतलब है। तो यहां पर देखो, मैंने एक प्लस लिखा है। ठीक है ना, ये प्लस एक तरह से आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, वही है। तो प्लस के लिए देखो मैंने क्या बनाया है, इस प्रकार से एरो बनाया है बाहर की तरफ जाते हुए। आप देखिए, यहां पर मैंने माइनस बनाया, इसके लिए मैंने एरो, सेम यही सिचुएशन है लेकिन एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं। और यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाया है कि ये कोई लाइन एक जगह शुरू हुई है और दूसरी जगह पर आकर के समाप्त हो रही है। अब इस एनालॉजी को आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है उससे भी आप समझ सकते हो। आपको यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं। तो प्लस चार्ज के लिए हम लाइंस कैसे बनाते हैं, ऐसे दूर की ओर चार्ज से। माइनस के लिए कैसे बनाते हैं, चार्ज की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड जब आपने पढ़ा था तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है चुंबकीय बल रेखा, इनको आप इस तरह से बनाते हो, एन से स्टार्ट होती है और इस पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो ये चीज आपको पता चल गई। तो अब जब कोई भी आपके पास इस प्रकार से प्लस चार्ज है, इसको हम कहते हैं स्रोत। क्या कहते हैं, स्रोत या सोर्स। तो अगर कहीं भी सोर्स होगा तो उससे कुछ उत्पन्न होगा। तो ये जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो क्या दर्शा रहा है कि जो भी एक क्षेत्र है, जिस परिबद्ध क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, वहां पर स्रोत की उपस्थिति को दर्शाता है। हमेशा लाइंस क्या होगी, इस तरह से बाहर की तरफ होगी। ठीक है ना, ये क्या दर्शाएगा, सिंक, जहां पर कुछ आकर के, जहां पर कुछ आ रहा है। ठीक है ना, स्रोत से तो उत्पत्ति होती है, सिंक पर कुछ आता है। तो यहां पर एरो को मैंने क्या बना दिया, इस नेगेटिव चार्ज की ओर बना दिया। और इसको हम कह देंगे, हालांकि इसका मतलब तो हो गया, इसके लिए हम एक लाइन काम में लेते हैं, ना स्रोत ना सिंक, लेकिन वो उतना रियलिस्टिक आप उस तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन डाइवर्जेंस जीरो का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो परिबद्ध क्षेत्र है वह स्रोत और सिंक दोनों की अनुपस्थिति है। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई। तो यहां पर आप एक काम कीजिए,
एक एक लाइन, पहले तो डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर स्रोत लिख लीजिए, यहाँ पर सिंक लिख लीजिए, और फिर ये जो डाइवर्जेंस आपने पॉजिटिव लिखा है ना, यहाँ पर एरो लगा करके आप एक लाइन लिख दीजिए, जो मैं बोलता हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप एक बार लिख लीजिए। ये जो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब आप लिख लीजिए, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में स्रोत की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब हो गया कि जो भी प्रश्न लिया है उसमें परिबद्ध क्षेत्र है, उसमें स्रोत की उपस्थिति है। नेगेटिव का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, लाइन सेम ही रहेगी, स्रोत की जगह आ जाएगा सिंक। तो आप लिख लीजिएगा बस, सेम यही लाइन है, प्रश्न द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में सिंक की उपस्थिति को दर्शाता है। मैं यहां सिंपल सा लिख देता हूं, चलो मैं लिख ही देता हूं, प्रश्न द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में सिंक की उपस्थिति को दर्शाता है। और जीरो डाइवर्जेंस का सिंपल सा मतलब हो गया स्रोत और सिंक दोनों की अनुपस्थिति। ये आप लिख लीजिए यहां पर, मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां एरो लगा के यहां लिख देता हूं, ठीक है, स्रोत व सिंक दोनों की अनुपस्थिति। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। तो आप देखो, पॉजिटिव का मतलब समझ गए, डायग्राम भी देख लिया, नेगेटिव का मतलब डायग्राम भी देख लिया, और जीरो का मतलब डायग्राम भी देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, ये तो जो आपने समझा ये तो ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको एक अन्य रूप में भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए पढ़ा होगा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो सदैव खुले वक्र के समान होती है, ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या हो गया, अगर वो किसी एक स्थान से शुरू हुई है तो वो अनंत तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा वापस वो किसी स्थान पर आकर के रुकेगी। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बल रेखाएं दूर की ओर आगे बढ़ती रहेगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूर से कहीं रेखाएं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से आएगी और उस जगह पर आकर के समाप्त हो जाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो सदैव ओपन कर्व या खुले वक्र के समान होती है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो उस सदिश क्षेत्र से संबंधित जो बल रेखाएं होती है वो खुले वक्र के समान होती है। और अगर मान लीजिए किसी सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस जीरो है तो उसके लिए जो बल रेखाएं होती है वो एक बंद वक्र के समान होती है, क्लोज कर्व के समान होती है। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो देखो ये क्लोज कर्व है, एन से शुरू हुआ एस पे आके समाप्त हो गया। ये चीज है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देता हूं एक बार। तो देखो, मैंने यहां पर कुछ लाइंस लिखी है, उसको हम देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, यदि डाइवर्जेंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो में आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो संबंधित सदिश क्षेत्र यानी ये जो वेक्टर ए है, संबंधित सदिश क्षेत्र, इसकी जो बल रेखाएं होगी वो होगी सदैव खुले वक्र, ओपन कर्व के समान। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाइवर्जेंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या दर्शाता है कि जो बल रेखाएं बनेगी वो कैसी होगी, ओपन कर्व। और आप आराम से समझ सकते हो, विद्युत क्षेत्र से कंपेयर कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो विद्युत बल रेखाएं आप बनाते हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज से दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज के लिए चार्ज की ओर, तो ये दोनों ही बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, खुले वक्र के समान होती है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान से शुरू होगी दूसरे स्थान पर आकर के समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप आराम से देख सकते हो कि जो डाइवर्जेंस ई होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है स्रोत है या सिंक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है, यदि डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू जीरो हो तो संबंधित सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर ए जो है की बल रेखाएं बंद वक्र या क्लोज कर्व के समान होती है। ठीक है ना, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं, जो डाइवर्जेंस बी होता है वो सदैव जीरो होता है। तो इसके लिए जो बल रेखाएं होती है आपको मैंने अभी डायग्राम बनाया था, वो इस तरह से होती है, इस तरह से क्लोज कर्व लिए, एन से शुरू होगी एस पे आके समाप्त होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्सप्रेशन है। देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, वैसे तो मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक आएगा, लेकिन डाइवर्जेंस बी इजिकल टू जीरो को आप और किस रूप में समझ सकते हो। इस डाइवर्जेंस बी इजिकल टू जीरो से आपको एक चीज पता चल रही है कि जो विद्युत बल सॉरी चुंबकीय बल रेखा है वो बंद वक्र के समान है, एन से शुरू होकर एस पर समाप्त होती है। तो इसका एक अर्थ यह भी निकल करके आता है कि चुंबक के लिए हमेशा डाइपोल का ही एग्जिस्टेंस होगा, मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मोनोपोल का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करो एन और एस आपके चुंबक के दो ध्रुव हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल एन हो या केवल एस हो, दोनों एक साथ ही होंगे। दोनों एक साथ हैं तभी तो एन से शुरू होकर के एस पर वो रेखाएं समाप्त हो रही है। तो इस डाइवर्जेंस बी इजिकल टू जीरो का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, डाइवर्जेंस बी इजिकल टू जीरो चुंबकीय एकल ध्रुवों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। चुंबक का एकल ध्रुव कभी नहीं हो सकता, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल फॉर मैग्नेट, ठीक है ना। किसी भी चुंबक के लिए मोनोपोल का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन विद्युत क्षेत्र के लिए हो सकता है। आप लोग देखते ही हो जो पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है ना, आप लोगों ने चार्ज में पढ़ा होगा ना, एकल चार्ज जिसको हम कहते हैं बिंदु आवेश कह सकते हो, फिर एक आपका डाइपोल भी होता है, एक आपका क्वाड्रपोल जिसको हम चतुर्ध्रुव कहते हैं वो भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो एकल ध्रुव या एकल चार्ज का अस्तित्व है पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसा कभी नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा डाइपोल मिनिमम डाइपोल होगा ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था जो मैंने आपको बता दिया, आगे वैसे आएगा मैग्नेटिज्म जब आपको और अच्छे से पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डाइवर्जेंस ए नॉट इक्वल टू जीरो मींस जो बल रेखाएं होगी वो ओपन कर्व के समान, और डाइवर्जेंस ए इक्वल टू जीरो मींस जो बल रेखाएं होगी वो क्लोज कर्व के समान होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, परिभाषाओं के रूप में या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में ये काम आते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक था जो मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज है, आपको ध्यान रखना है बस, पूछ ले अगर तो आप आराम से लिख सकते हो, और जितने भी एस्पेक्ट्स इसके अंतर्गत बन सकते थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आ जाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक या एक छोटी सी परिभाषा और बचती है, उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए एक शब्द आएगा आपके सामने, परिनालिकीय सदिश, या जिसको आप कहते हो सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है, परिनाली के सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर। ये क्या होता है इसको भी आपको समझना है। पहली बात तो वेक्टर है, तो ऐसा सदिश जिसके लिए उसके डाइवर्जेंस का मान शून्य हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, परिनाली के सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसा सदिश जिसके लिए डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू जीरो हो, तो वह परिनालिकीय सदिश कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। ये एग्जाम में छोटी डेफिनेशन के रूप में आपसे पूछे तब आपको इस तरह से लिखना है। इस डेफिनेशन का एक यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी होता है। कैसे, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई वेक्टर ए दे दिया आपको, कुछ भी उसका मान होगा, जो भी वेक्टर ए उसका मान दे दिया, उसमें क्या होगा, इधर आपका देखो कुछ आई कैप होगा, फिर इधर आपका कुछ जे कैप होगा, इधर आपका कुछ के कैप होगा, इस तरह से कुछ लिखा होगा। इनमें वो क्या करते हैं कि किसी एक को वो क्या कर देते हैं, अननोन कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि दिया गया सदिश परिनाली की सदिश है, तो उस अननोन का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कंडीशन क्या लगाओगे, कोई भी सदिश अगर परिनाली की सदिश है तो उसका डाइवर्जेंस निकालोगे, और वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो आराम से डेल डॉट ए करके, उसको इजिकल टू जीरो करोगे, और फिर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपके जो अननोन होगा उसका मान निकल करके आ जाएगा। ये हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, हमारा पूरा एक सेशन चलेगा जिसमें हमने जितने भी ये टॉपिक पढ़े, आपका ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, फिर आगे हम कर्ल पढ़ेंगे, उन सब की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम डिटेल में इसी प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी हम लोग ये जो भी टॉपिक है इनके थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को देख लिया, और एक नई परिभाषा जिसको हम कहते हैं परिनाली के सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर, उसको भी समझ लिया। उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू जीरो है, तो उस स्थिति में आपका जो वेक्टर ए है, जो सदिश ए है, वो क्या कहलाएगा, परिनाली के सदिश कहलाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा।
अब नए लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस ए को हम डेल डॉट ए के रूप में लिख सकते हैं, तो वो उसका कार्तीय निर्देशांक पत्ती में निरूपण कहलाता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो लिख कैसे सकते हैं, उसका पूरा एक डेरिवेशन होता है जो हमने फिजिकल डेफिनेशन तैयार की थी, उस डेफिनेशन का यूज करते हुए उस डेरिवेशन को हम यहां पर करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।